तो OnePlus 11R में आपने BGMI का 90 FPS गेम प्ले देख लिया, BGMI का 60 FPS का गेम प्ले देख लिया, और आज हम गैस यहाँ पे देखने वाले हैं 120 FPS का गेम प्ले, वो भी PUBG मोबाइल का। तो अगर गैस आपने अभी तक 120 FPS का गेम प्ले नहीं देखा है OnePlus 11R में, तो आज की इस वीडियो में आप वो देखने वाले हैं और भी जितने सारे डाउट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि PUBG मोबाइल में 120 FPS आ गया है, तो क्या गैस इस डिवाइस में सपोर्ट करेगा, और बाई चांस अगर सपोर्ट करता है तो यहाँ पे आपको कितने फ्रेम रेट देखने को मिलते हैं। तो गैस अभी आप देख पा रहे हैं ये है OnePlus 11R जो कि हमने परचेस किया था रिसेंटली, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और इसकी अनबॉक्सिंग और BGMI टेस्ट भी यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, वो भी FPS मीटर के साथ। बट आज की इस वीडियो में गैस हम यहाँ पे इसका टेस्ट करने वाले हैं PUBG मोबाइल का, और वहाँ पे गैस हम लोग देखने वाले हैं OnePlus 11R 120 FPS सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता, और अगर सपोर्ट कर लेता है तो यहाँ पे वो हमें कितने फ्रेम रेट निकाल के दे देता है। तो चलो गैस देखते हैं आगे वीडियो में, जो भी आपके मन में डाउट है 120 FPS को लेकर वो बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि गाइस मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि ये जो है 120 Hz को सपोर्ट करता है, और अगर इन केस BGMI भी 120 FPS आता है तो इस डिवाइस में 120 FPS सपोर्ट कर जाएगा। तो फिलहाल PUBG मोबाइल में यहाँ पे 120 FPS आ चुका है, तो चलो गाइस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये किस ग्राफिक में सपोर्ट करता है, और चलते हैं गाइस सबसे पहले हम लोग सेटिंग वाले ऑप्शन में देख लेते हैं यहाँ पे किस ग्राफिक में सपोर्ट हो रहा है। तो चलते हैं ग्राफिक वाले ऑप्शन में गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो सपोर्ट कर रहा है वो है स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम, मतलब कि 120 FPS के देख पा रहे हैं। एक्सट्रीम होता है 60 FPS, एक्सट्रीम प्लस होता है 90 FPS, और यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है अल्ट्रा एक्सट्रीम, ठीक है। तो इस फ्रेम रेट में गैस यहाँ पे हम लोग इसको खेलने वाले हैं। तो चलो गैस टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं मैच और देखते हैं यहाँ पे कितने फ्रेम रेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी गैस यहाँ पे हमने FPS मीटर को टर्न ऑन कर दिया है, और अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मैच को एंड देखते गए यहाँ पे हमें कितने फ्रेम रेट मिलते हैं, क्या फ्रेम रेट को मेंटेन करता है, और 120 FPS ये मतलब किस तरह से निकाल के देता है, कॉन्स्टेंटली आपको देखने को मिलता है नहीं इसमें 120 FPS, या फिर कितने ड्रॉप होते हैं, कितने मेंटेन होते हैं। तो चलो गए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। और फिलहाल गए आपको पता है ये स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और अच्छी खासी गेमिंग हमें करा के दे देता है। एंड BGMI के टेस्ट तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, नहीं देखे तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको 90 FPS में, 60 FPS में, TDM मैच, क्लासिक मैच, सभी मतलब गेम प्ले आपको हमने वहाँ पे दिखा रखे हैं। जो भी आपके मन में डाउट है यहाँ पे BGMI को लेकर कि किस तरह की गेमिंग आपको BGMI में करा के दे देता है, तो अभी गैस देख पा रहे हैं यहाँ पे 89-91 FPS दे रहा है, क्योंकि हमारा जो लॉबी में ग्राफिक सपोर्ट करता है वो 90 FPS का ही, बट जो गेम प्ले में सपोर्ट करता है वो 120 FPS है। तो चलो अभी गेम को रेडी होने देते हैं और देखते हैं कि हमें वहाँ पे कितने फ्रेम रेट देखने को मिलते हैं। तो अभी गैस मैच हमारा रेडी हो चुका है, एंड अभी आप फ्रेम रेट देख पा रहे हैं 118 FPS यहाँ पर आ रहा है, 117 FPS आ रहा है, और यहाँ पे चलो गाइस थोड़ा देखते हैं हम लोग चल के, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 119 FPS आ रहा है, 116 FPS आ रहा है, तो काफ़ी सही फ्रेम रेट गाइस आ रहा है यहाँ पे, 94 हुआ, फिर यहाँ पे वापस से मेंटेन हो गया, तो काफ़ी जल्दी मेंटेन हुआ ये 117 FPS, 119 FPS, ठीक है, 92 FPS, 113 FPS। तो इस तरह से गाइस हमें फ्रेम रेट देखने को मिल रहे हैं, और अभी गेम प्ले के दौरान देखते हैं कितने फ्रेम रेट मिलते हैं। तो 120 FPS भी जा रहा है देखो गाइस यहाँ पर, ठीक है, तो काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और गेमिंग के लिए गाइस तो ख़तरनाक प्रोसेसर है। अभी देखते हैं आगे हमें क्या फ्रेम रेट देखने को मिलते हैं, और अभी ऐसे तो आप लोग यहाँ पे नहीं समझ पा रहे होंगे, बट यहाँ पे गैस ये काफ़ी स्मूथ लग रहा है मुझे, मतलब देखने में भी, और मतलब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे फिंगर से कुछ भी करते हैं तो काफ़ी मतलब स्मूथ लग रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप लोग खुद ही देखो, आप लोग तो फिलहाल यहाँ पे वीडियो 60 FPS में देख रहे हैं, बट इस गेम को हम लोग यहाँ पे प्ले कर रहे हैं 120 FPS में, आप देख पा रहे हैं FPS जो हमें मिल रहा है वो अभी भी 119 FPS है, ठीक है, 120 FPS है, तो बहुत ही गैस सही FPS निकाल के दे रहा है ये देखो कितना स्मूथ चल रहा है गैस। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, वीडियो में तो आप लोग इतना अच्छे से नहीं इसको समझ पा रहे होंगे, बट गैस मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो गैस बहुत ही स्मूथ चल रहा है ये, देख पा रहे हैं 118 FPS, 119 FPS, तो बहुत ही सही फ्रेम रेट गैस निकाल के दे रहा है। और दूसरी बात 120 FPS गैस सपोर्ट कर रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है, 120 FPS। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर इवेंट में ही देखते हैं वहाँ पर हमें कितने फ्रेम रेट देखने को मिलते हैं, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर इवेंट पर ही। तो चलो यहाँ पे जंप करते हैं, अभी देख पा रहे हैं 115 FPS, 114 FPS तक यहाँ पे हमारा ड्रॉप हुआ, उसके बाद फिर से मेंटेन हो गया, तो बहुत ही सही फ्रेम रेट गाइस इसमें मिल रहे हैं, आप लोग खुद ही देख लो यार गाइस, मैं क्या ही बताऊँ आपको। अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे मेन वाले इवेंट पे, और एक बात मैंने और आपको बताई थी, आपको याद होगा कि अपना जो BGMI वो अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, इसलिए चाहे जितना अच्छा आप डिवाइस देख लो, चाहे जितना महंगा डिवाइस आप देख लो,
उसमें आपको BGMI में फ्रेम रेट देखने को मिलते हैं, लेकिन इस वाले गेम में उससे काफ़ी बेहतर आपको फ्रेम रेट देखने को मिलेंगे और जो गेम प्ले का एक्सपीरियंस रहेगा गाइस बहुत ही स्मूथ रहेगा। अभी आप देख पा रहे हैं 84 ड्रॉप हुआ, 89 हुआ, ठीक है 87 हुआ, अभी काफ़ी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब हॉट ड्रॉप रहता है, इसकी वजह से काफ़ी बंदे भी यहाँ पे जंप कर चुके होंगे। तो चलो हम लोग यहाँ पे जंप कर ही लेते हैं गाइस, फिलहाल हमने लीड वगैरह नहीं लगा के रखी है। तो अपनी पिंग भी यहाँ पे सही नहीं जा रही है, तो इस इवेंट में गाइस आई थिंक 90 FPS ही सपोर्ट कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे तो हो सकता है 120 FPS फिर से सपोर्ट करने लगे, कुछ ऐसा ही हो सकता है। चलो हम लोग यहाँ से बाहर कूद के देखते हैं कि कितने फ्रेम रेट हमें देखने को मिलते हैं। अगर इस इवेंट से हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारे फ्रेम रेट यहाँ पर बढ़ते हैं या फिर उतने ही रहते हैं, आई थिंक कुछ ऐसा ही होगा यहाँ पर। चलो हम लोग यहाँ से थोड़ा इवेंट से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे फ्रेम रेट यहाँ पर बढ़ रहे हैं या फिर 90 FPS ही आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे चलते हैं प्रो गेम मोड में, ठीक है एक बार ये भी करके देख लेते हैं। प्रो गेम मोड हम लोग अपने यहाँ पे ऑन करते हैं तो गाइस ये यहाँ पे फिर से हमारा जो फ्रेम रेट है वो मेंटेन हो जा रहा है 120 FPS पे। तो गाइस ऐसा ही था, यहाँ पे जो है हमारा जो फ्रेम रेट है वो प्रो गेमिंग मोड हमें टर्न ऑन करना था, ठीक है, जो कि आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा बैलेंस मोड में लगा हुआ था, इसी वजह से वो हमारा जो फ्रेम रेट है वो डाउन हो गया था 90 FPS में, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर प्रो गेमर मोड लगाते हैं तो ये वापस से मेंटेन हो जाएगा। तो गाइस देख पा रहे हैं हमने लगा दिया है और ये वापस मेंटेन हो गया है, और बॉट गाइस यहाँ कहाँ से फायरिंग कर रहा था अभी देख लेते हैं। तो गाइस बहुत ही मतलब सही फ्रेम रेट आ रहे हैं, खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं है, 118 फ्रेम रेट, 109 फ्रेम रेट, और फिलहाल जहाँ पे हम जिस जगह पे कूदें गाइस वहाँ पे आप लोग सोच नहीं सकते कि यहाँ पे जो फ्रेम ड्रॉप है कितने ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी गाइस बहुत ही सही मेंटेन कर रहा है 119 फ्रेम रेट, 118 फ्रेम रेट, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है फ्रेम रेट को लेकर। तो अभी इसमें देख लो कितने फ्रेम रेट मिलते हैं, हम लोग यहाँ पे घोड़े पे बैठ गए हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं 116 FPS, 118 FPS, 119 FPS, 119 FPS, मतलब बहुत ही एक अच्छा नंबर है फ्रेम रेट का। तो गेमिंग तो गाइस इसमें आप ठीक ठाक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि एक स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 है, ठीक है। बहुत ही गाइस मुझे यहाँ पे स्मूथ लग रहा है। अब आप लोग वहाँ पे 60 FPS में वीडियो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे 120 FPS जस्ट उसका डबल है गाइस ये, ठीक है। तो आप लोग गेस कर सकते हैं यहाँ पे कितना मतलब स्मूथ लग रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा गाइस यहाँ पे स्मूथ लग रहा है। 120 FPS तक गए आप देख पा रहे हैं, 120 FPS तक ये पहुँच रहा है, मतलब 119 FPS, 117 FPS, 110 FPS, 120 FPS, तो बहुत ही गाइस स्मूथ चल रहा है गेम ये, देखो आप लोग। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये मतलब अपना सपोर्ट करेगा डिवाइस जो है 120 FPS। मुझे तो गाइस यहाँ पे गेम प्ले करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, बहुत ही स्मूथ गेम प्ले हो रहा है यहाँ पे, और 120 FPS के हिसाब से तो गाइस आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लो बहुत ही स्मूथ चल रहा है गाइस। चल गाइस यहाँ पे देख पा रहे 120 FPS, 190 FPS, 98 120, फिर से मेंटेन, तो बहुत ही सही है फ्रेम रेट मिल रहे हैं। आप लोग इसमें गेमिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अपना 1+11R काफ़ी सही परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। तो देख लिया गाइस आप लोगों ने गेम प्ले, और आई थिंक आपको ये भी अंदाज़ा लग गया होगा कि इसमें जो है किस तरह से आपको फ्रेम रेट मिलते हैं 120 FPS में, और ये डिवाइस का जो भी आपको कन्फ्यूजन था कि 120 FPS सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, तो आप लोग देख लो गाइस काफ़ी सही सपोर्ट कर रहा है और काफ़ी सही फ्रेम रेट निकाल के दे रहा है गेमिंग करने में, तो मुझे फिलहाल यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, वो फ्रेम रेट भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहा है। तो PUBG मोबाइल में और BGMI में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे परफॉर्मेंस को लेकर,
जो कि पबजी मोबाइल में जो इसका परफॉर्मेंस दिखाता है और जो बीजीएमआई में दिखाता है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि पबजी मोबाइल जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ऑप्टिमाइज है और अपना जो बीजीएमआई है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, इसलिए उसमें आपको लैग बग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कितना ही पावरफुल आप एक मोबाइल ले लें, लेकिन अगर आप बीजीएमआई उसमें खेलेंगे तो जब तक उसका सर्वर अच्छे से मेंटेन नहीं हो जाता तब तक उसमें आपको खेलने में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे देखा हमारा जो पबजी मोबाइल में कितना मतलब सही यहाँ पे फ्रेम रेट निकल के आया है, कितने अच्छे से फ्रेम रेट यहाँ पे इस डिवाइस ने मेंटेन किया है। तो गेमिंग के लिए गाइस ये डिवाइस सही है, आप लोग इसको ले सकते हो गेमिंग के लिए भी, और इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी बहुत सही है, क्योंकि इसको मैं 2-3 वीक से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा इसमें मिल रहा है। और बाकी गेमिंग से रिलेटेड मैंने आपको बीजीएमआई भी खेल के दिखा दिया, पबजी भी खेल के दिखा दिया है 60 FPS, 90 FPS और पबजी मोबाइल, इसके बाद यहाँ पे आपको 120 FPS का भी गेम प्ले हमने आपको दिखा दिया है। बाकी आपके मन में अगर कोई भी डाउट रह जाता है इस डिवाइस को लेकर तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वो भी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल के आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरीके एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।